Hi guys, welcome to my channel. As you can see from the title, so today's video is all about review video, and today I'll be reviewing this real makeup base from Swiss Beauty, and it's their highlighting primer. As you can see, so today I'll be reviewing this product with you all. और अगर मैं इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड इसमें लिख रखा है रियल मेकअप बेस स्विस ब्यूटी हाइलाइटिंग प्राइमर एंड जो मेरा शेड है वो है 01 नेचुरल टिंट। इसमें टोटल 3 शेड्स आते हैं 01 नेचुरल टिंट, 02 गोल्डन टिंट एंड 03 पिंक टिंट। अब जो मेरा वाला नेचुरल टिंट है उसमें होते हैं व्हाइट कलर के पार्टिकल्स, यानी व्हाइट कलर के टिंट्स आपको दिख जाएंगे एंड जो गोल्डन होता है उसमें गोल्डन कलर के टिंट दिखेंगे एंड अगर आप पिंक लेते हैं तो उसमें पिंक कलर की शीन और टिंट से आपको दिखेंगे। एंड अगर मैं इसकी MRP की बात करूँ तो इसकी MRP बेसिकली 399 है एंड द क्वान्टिटी दैट यू आर गेटिंग इज़ 32 ml। और जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ बेसिकली 2026 जून 2026 तक मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हूँ। अच्छी खासी आपको अकॉर्डिंग टू द प्राइस क्वांटिटी मिल रही है यहाँ पर एंड ये इसको आप बेसिकली या तो स्विस ब्यूटी की वेबसाइट से ख़रीद सकते हो, अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हो, नाइका से ख़रीद सकते हो एंड अगर आपको ऑफलाइन ख़रीदना है तो आप ऑफलाइन भी ख़रीद सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन बहुत अच्छे डिस्काउंट में आराम से मिल जाता है। सेल के टाइम पर आप इसको ग्रैब कर सकते हो एट अ वेरी गुड डील। जैसे ही आप इस प्राइमर को यूज़ करोगे ना तो आपके फेस पर बहुत अच्छा सा ग्लो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस प्राइमर को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट आप इसको एज अ प्राइमर तो लगा ही सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड वे हो गया कि आप इस प्राइमर को ऐड कर सकते हो अपने फाउंडेशन में, आराम से मिक्स करो एंड लगा लो अपने फेस पर। एंड जो थर्ड वे है, जैसे ही आपने फाउंडेशन वगैरह सब कुछ अपना बेस सेट और रेडी कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इस हाइलाइटर को लेना एंड जो भी आपके हाइलाइटिंग पॉइंट्स है जैसे ये यहाँ पर डॉट 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 करके लगा लेना, यहाँ पर नोज़ के टिप पर एंड जहाँ भी आपके हाइलाइटिंग पॉइंट है बेसिकली वहाँ पर आप इसको लगा लेना एंड यू आर सॉर्टेड। अच्छे से ब्लेंड कर दोगे, बहुत अच्छी सी शीन ये ऐड कर देगा। अगर मैं इसकी इनर पैकेजिंग की बात करूँ तो ये बेसिकली ग्लास बॉटल में आता है विद अ गोल्डन कैप एंड प्रोडक्ट आप सामने देख सकते हो, वाइट कलर का ये प्रोडक्ट है। एंड अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये आता है पंप एप्लीकेटर के साथ एंड पंप से बहुत ज़्यादा आसान काम करती है स्विस ब्यूटी ने, बिकॉज जितना भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा आप उतना निकाल सकते हो, अदरवाइज़ तो बहुत प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता, ठीक है। एंड आई गेस 3-4 पंप में तो आराम से आपका पूरा फेस कवर हो ही जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये बेसिकली आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देगा, मॉडिफाई कर देगा आपके पोर्स को और मॉइस्चराइज कर देगा आपके फेस को। तो चलो अब हम देखते हैं कि जो जो क्लेम इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है वो सच भी है या नहीं, या फिर खाली ऐसे ही चेप दी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट करो, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये बेसिकली इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और स्टिकी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, वाइट सा कलर का आपको ये दिखेगा टिंट, ठीक है। और इसमें है शिमरी पार्टिकल और आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त ग्लो आ गया मेरे हाथ में जैसे ही मैंने इसको अपने हाथ पे लगाया, ठीक है। ये आपके फेस या फिर स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर देगा। एंड मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि ये वाला जो स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है ये एग्जैक्टली ड्यूप है मैक की स्टोप क्रीम का। मैंने मैक की स्टोप क्रीम तो लिटरली यूज़ नहीं कर रखी है तो मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है और ये जो स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी का है, तो फ़िलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये प्राइमर जो है ये बेसिकली आपके फेस पर हाइड्रेटिंग प्राइमर का काम करने वाला है, ये आपके फेस पर हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करेगा ही और उसी के साथ हाइलाइटर का भी काम कर देगा। एंड अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तब तो ये प्राइमर आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है बिकॉज ये आपके फेस में इंस्टेंट बहुत ज़्यादा ग्लो ऐड कर देगा, बहुत ज़्यादा ड्यूई बना देगा आपके फेस को। एंड अगर आपके ओपन पोर्स हैं तब तो इस प्राइमर को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज ये प्राइमर आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ या फिर ब्लर बिल्कुल भी नहीं करने वाला है।
एज आई टोल्ड यू, अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है तभी प्राइमर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो उस केस में आपको क्या करना, आपको लेना है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर या फिर पोर फिलिंग प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स है वहाँ पर आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा लो। उससे क्या होगा, जितने भी आपके ओपन पोर्स होंगे वो आराम से मिनिमाइज हो जाएंगे और ब्लर हो जाएंगे। ये जो प्राइमर है ये बेसिकली आपके फेस पर ग्लो एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। चलो अब इसका डेमो देख लेते हैं और मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने हाफ फेस में ताकि आप आराम से इसका डिफरेंस देख पाओ। एंड इसको लगाते ही क्या ग्लो आने वाला है मेरे फेस पर, चमक देखना गजब की आने वाली है। इतना आई गेस मोर देन सफिशिएंट है एक साइड के लिए। और आप इसको आराम से अपने हाथ से आराम से ब्लेंड कर सकते हो। ग्लो देखो मेरे फेस में क्या ज़बरदस्त ग्लो आ चुका है इसको लगाते ही। एंड दूसरी साइड आप देख सकते हो बिल्कुल भी ग्लो नहीं है मेरी दूसरी साइड में, और डिफरेंस अच्छे से आप विजिबल डिफरेंस देख सकते हो इस वीडियो में। मैंने कोई भी कट नहीं करके दिखाया। चलो अब मैं इसको अपने दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ। इसको लगाते ही मेरे फेस में ज़बरदस्त ग्लो ऐड हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर दे रहा है मेरे फेस को और हाइड्रेशन तो ये प्रोवाइड कर ही रहा है। एंड इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डायरेक्टली लगा लेना है अपना बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो फाउंडेशन लगाने के बाद आपको हाईलाइटर की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि आप ग्लो देख सकते हो। मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ इसका ग्लो। तो अगर मैं कॉन्क्लूजन की बात करूँ तो मेरे को इस प्राइमर में एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से चंगे पार्टिकल्स है जो विजिबल हो जाते हैं आपके फेस पर। एंड मैं वीडियो इंसर्ट कर दूँगी, आप उसमें देख सकते हो मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रही हूँ। एंड अगर आप इसको दिन में लगाते हो एज अ प्राइमर तब तो आराम से दिखने वाले चंगे पार्टिकल्स। एंड आई डोंट थिंक सो अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मेरे फेस पे कोई भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बट इन रियलिटी आपको अच्छे से वो चंकी पार्टिकल्स दिखते हैं। एंड अगर ये चंकी पार्टिकल्स इस प्राइमर में नहीं होते तब तो ये ज़बरदस्त इल्यूमिनेटिंग प्राइमर का काम करता है, एज द नेम सजेस्ट, रियल मेकअप बेस, ठीक है। एंड यही था मेरा रिव्यू एंड दैट कम्स टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल बटन सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड। चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।